निरीक्षण के दौरान आंगनबाड़ियों में अनेक अनियमितताएं देखने को मिली, जिसकी वजह से कुपोषित और गर्भवती महिलाओं को आंगनबाड़ी केंद्रों का लाभ नहीं मिलने की बातें भी सामने आई। सामाजिक कार्यकर्ता सुमन शील ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्रों में रेडी टू ईट में भारी भ्रष्टाचार सामने आया है। कई महिलाओं ने उनसे शिकायतें भी की हैं। उन्होंने बताया कि तमाम तथ्यों से जिला प्रशासन को अवगत करा दिया गया है, साथ ही संबंधित परियोजना अधिकारी और अन्य पर कार्रवाई करने की मांग की गई है। आंगनबाड़ी केंद्रों में सालों से व्याप्त अनियमितताओं को लेकर सुमन शील ने ग्रैंड एशियन न्यूज से खास चर्चा की। नमस्कार, आज हमारे साथ मौजूद है सामाजिक कार्यकर्ता सुमन शील जी, जिनके द्वारा अभी घर की में संचालित विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया गया और तमाम तरह की खामियां इनके द्वारा कहा जा रहा है कि आंगनबाड़ियों में तमाम तरह की खामियां इन्हें देखने को मिली। किस तरह की खामियां, किस तरह से संचालन किया जा रहा है, इस संबंध में हम इन्हीं चर्चा करें। सुमन शील जी, आपका स्वागत है ग्रैंड एशियन न्यूज में। चूंकि सबसे पहले सर एक सवाल आपसे ये आता है, चूंकि आप सेवा जनजागृति संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं और आपके द्वारा अभी शहर में संचालित विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया गया लगातार 15-20 दिनों से, तो इसके लिए आपके द्वारा क्योंकि जिला कलेक्टर को किसी तरह का कोई परमिशन लिया गया, किस अधिकार के द्वारा आपके द्वारा निरीक्षण किया गया? सबसे पहली बात तो यह है कि मैं एक नागरिक हूँ और एक मेरा मौलिक अधिकार है, मेरे क्षेत्र में अगर खाद्य सामग्री से संबंधित हो या शासन से संबंधित जो भी कोई चीज है उसका अधिकार है। एक नागरिक होने के नाते वो उसको पूछने का पूरा अधिकार है। उसके बावजूद हम लोगों ने इस निरीक्षण की जानकारी करने की जानकारी जिला कलेक्टर को दी गई है और उसके पश्चात हम लोगों ने निरीक्षण करने का यह कार्य प्रारंभ किया, जिसमें कई अनियमितता पाया गया और बच्चे के साथ जिस प्रकार की एक तरह से दुर्गति भिलाई नगर निगम क्षेत्र में देखा जा रहा है, उस प्रकार का कहीं ना कहीं इस प्रकार लग रहा है कि यह अगर दुर्गति पूरे जिले या छत्तीसगढ़ में हो रही है तो ये बिहार के चारा घोटाला से कम घोटाला नहीं होगा। क्योंकि सरकार द्वारा जो आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन किया जाता है, सरकार की पूर्ण रूप से मंशा प्रकार से यही है कि कुपोषित बच्चों को स्वस्थ करना, गर्भवती महिलाओं को स्वस्थ रखना, विभिन्न उन्हें पोषक खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना। क्योंकि आपके द्वारा लगातार जो निरीक्षण किया गया तो किस तरह की जो खामियां आपको देखने को मिली अभी सामने? सबसे पहली बात ये कि एक केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के द्वारा महिला बाल विकास के माध्यम से कुपोषित बच्चे एवं गर्भवती जो महिलाएं होते हैं उनके लिए रेडी टू ईट दिया जाता है, साथ ही कई योजना है। उसके अलावा बच्चे जो 5 साल के बच्चे होते हैं उन्हें भी भोजन जैसे सामग्री दिया जाता है। परंतु हम लोग जब उस स्थल पर पहुंचे, जैसे कि संतोषी पारा शिवाजी नगर जैसा एक क्षेत्र है जहां पर कि आज से 2 साल पहले वहां आंगनबाड़ी हुआ करता था, उसी आंगनबाड़ी को कुछ दूरी पर भेज दिया गया जहां पे 3-3 आंगनबाड़ी संचालित हो रही है, अर्थात जहां पे कि जो लोग वहां पहुंच सके कि नहीं पहुंच सके उनको उससे कोई लेना देना नहीं है। तो वहां पे हम जब पहुंचे तो एक छोटा सा मतलब नाम मात्र का जिसमें 10 से 15 बच्चे ही नहीं बैठ सकते, तो वहां पे 440 का एक तो बिल दिखाया जा रहा है, दूसरा चीज है कि 110 120 की संख्या बताया जा रहा है। तो ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो रेडी टू ईट है, सबसे पहला ये रेडी टू ईट जितनी बट रही है उससे कई अगर अधिक मात्रा में इनके महिला बाल विकास के कंप्यूटर में नोट किया जा रहा है और शासन से इनका पैसा लिया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ये जांच का पूरा विषय है और इस जांच के तहत में जब हम लोग और डीपली घुसे तो कुछ लोग हमसे सवाल जवाब जरूर पूछते थे, क्या आप कहां से आए, आप परियोजना अधिकारी से पूछे क्या? तो मैंने पहले एक शब्द बताया कि ये हमारा मौलिक अधिकार है, वहां क्षेत्र का हर व्यक्ति जानकारी ले सकता है। यहां तक कि कई लोगों के द्वारा आपत्ति किया गया, कुछ लोग पत्रकार बन के हमारे पास आए, हमें विभिन्न प्रकार की बातें भी हमारे साथ किया गया। तो सबसे अच्छी है कि जब हम वहां पहुंचे तो एक नोटबुक भी रहता है, रजिस्टर में हम जाके देख रहे हैं, जबकि एक तारीख का मंगलवार का दिन था, शिवरात्रि का कार्यक्रम था, तीसरा की यहाँ पे पल्स पोलियो के लिए ड्यूटी लगे हुए थे, उसके बावजूद जब हम आंगनबाड़ी केंद्र में पहुंचे तो उनको द्वारा बताया गया कि हमने इस महीने का रेडी टू ईट बांट दिए।
जब हम उनसे पूछ रहे हैं कि एक रेडी टू ईट हमको दिखाइए, तो उस रेडी टू ईट दिखाने में वो सक्षम अधिकतर आंगनबाड़ी द्वारा दिखाया, मतलब दिखा गया। दूसरा, जिन लोगों के द्वारा आंगनबाड़ी पर बताया गया कि हमने रेडी टू ईट बांट दिया और कोई रेडी टू ईट जो दिखाया है वो जनवरी महीने का, जब हम उस क्षेत्र से पूछे तो कई लोगों ने यह भी बताया कि फरवरी महीने में हमने रेडी टू ईट नहीं हमको मिला है। तो इसका समझ में आ जाता है कि जब रेडी टू ईट पहुंचा ही नहीं तो बांट कैसे दिया, वो भी मंगलवार का दिन जिस दिन पल्स पोलियो का कार्यक्रम था। फिर हमने 3 तारीख को जब पहुंचे तो कम से कम इनके परियोजना अधिकारी, जबकि वो छुट्टी में थे, हम लोग जब कार्यालय पहुंचे तो वहीं के द्वारा बताया गया कि वो छुट्टी में है, फिर भी हमने स्थल पे जब पहुंचे तो फिर अनियमितता पाया जा रहा। तो कहीं बच्चे जो कि 10-5 बच्चे मिले कहीं कहीं, और कहीं कहीं तो 1 बजे के उपरांत सारे आंगनबाड़ी केंद्र बंद हुए। तो ये कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा जांच का विषय है, और इसमें मुझे जिस प्रकार की जानकारी मिलने के बाद मैंने जिला कलेक्टर को भी इसकी पूरी जानकारी से अवगत कराया है। कलेक्टर से मुलाकात नहीं, अपर कलेक्टर से मुलाकात हुआ था तो अपर कलेक्टर जी ने खुद बोला कि यह आपका जो उद्देश्य है वो आपके सिस्टम को सुधारने का है, इसलिए एक बार कलेक्टर साहब से भी मिल लीजिएगा। तो हम तो कलेक्टर साहब से मिलेंगे, और यदि इस पर जल्द ही कोई नहीं होता तो इसकी शिकायत ये करेंगे, क्योंकि यह बहुत बड़ा खेल हमको दिख रहा है। तो मैंने पहले ही बताया कि ये बिहार जैसे चारा घोटाला से के समान ना हो, क्योंकि ये बच्चों का खान भोजन के रूप में है, खाद्य पदार्थ के रूप में, और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार की जो मंशा है कि कुपोषित बच्चे कुपोषण से छुटकारा पाए, तो ये जिस प्रकार का घोटाला है वह असंभव दिखेगा। लगभग कितनी आंगनबाड़ी केंद्रों को आपके द्वारा निरीक्षण किया गया? हम लोगों के द्वारा 16 आंगनबाड़ी हम लोगों के जहां जहां पहुंच सकते थे, क्योंकि हमको हमारे पास सूची नहीं था तो भी हमने पहुंचे हैं। यहां पर कई कई आंगनबाड़ी में तो इस प्रकार की अनियमितता देखा गया कि वहां पे बच्चे के लिए कोई पानी नहीं है, बच्चे के लिए कोई पंखा नहीं है, यहां तक कि वहां पे जो पदार्थ जो दे रहे हैं उनके रिकॉर्ड में केवल ये दिया जा रहा है कि भाई हमने उनको भोजन सामग्री दे रहे हैं, जबकि एक महिला समूह के आंगनबाड़ी में ये दिख रहे हैं कि 1 तारीख का 2 तारीख का हम लोग पहुंचे थे तो 8 तारीख का रजिस्टर में मेंटेनेंस किया हुआ है, वो भी एक जांच का विषय है। दूसरा, एक आंगनबाड़ी पहले संचालित होती थी अमन महिला स्वयं सहायता समूह को, उनको हटा दिया गया, उसमें पता चला कि उसमें कि जो समूह को हटाया गया है वो सक्षम बताया गया, जबकि जिस समूह को इन लोगों ने काम के लिए दिया है तो उनके पास ये भी जानकारी मिली है कि उनके पास फूड लाइसेंस नहीं है। तो बच्चे के साथ जिस प्रकार की जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है यह देखने को हमें मिला है, इसलिए इस पे कौन दोषी है इसकी जांच प्रशासन को करना चाहिए, और यदि प्रशासन नहीं करती है तो इसको चीजों को लेके हम जनप्रतिनिधि से मुलाकात करेंगे, चाहे वो पक्ष के विधायक हो, चाहे विपक्ष के विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे राज्यसभा सांसद हो, और इसकी सही कार्रवाई नहीं की जाती है तो इसके लिए हम लोग को जमीन में भी उतरना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों के जीवन का, क्योंकि आपके द्वारा लगातार निरीक्षण किया गया तो बच्चों के पालकों से किसी तरह की कोई चर्चा कभी किसी आंगनबाड़ी में हुई, यदि हुई है तो उनका क्या कहना है? बच्चे के पालकों से, कई बच्चों के पालकों से हमने मुलाकात भी की है, उनके चीजों से उनका हमने लिखित रूप से भी लिया है, तो कई कई बच्चे के पालक में जिसको कुपोषित बच्चे हैं, वो बच्चे को तो आंगनबाड़ियों के द्वारा ये बताया जाता है कि आपका कोई सामग्री नहीं आया है, जबकि कोरोना काल के समय में जब 2020 में जब कोरोना काल के समय लॉकडाउन हुआ था तो ये आदेश था कि घर घर जाके ये रेडी टू ईट चीजें बांटा जाए, परंतु 2 साल में अगर सही जांच किया जाए तो 2 साल में कहीं ना कहीं अधिकतर आंगनबाड़ियों के द्वारा ये वितरण नहीं किया गया, जिसके संबंध में जब हम लोग और वहां के क्षेत्रवासियों की जब खुद आके बोलने लगे कि हमें एक बच्चा जिसको कुत्ता काट दिया था, उस बच्चे को वहां के आंगनबाड़ी बोलती कि इसकी जिम्मेदारी हम क्यों लेंगे, हम यहां से लेके जाइए, तो उसको खाद्य सामग्री देने में इस प्रकार की कठिनाई हो रही है। तो और भी जो योजना है जैसे कि गर्भवती महिला है, 5,000 रुपए गर्भवती डिलीवरी में मिलता है, जिनके पास अपना श्रमिक कार्ड है होता है उन्हें 15,000 मिलता है, तो ये भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये भी जांच का विषय है, क्योंकि कुछ लोगों से हमने जो पूछा तो उन्होंने भी ना बताया कि हमें कुछ नहीं मिला है राशि, तो इसलिए हर विषय में इसकी जांच होनी चाहिए।
क्योंकि आप आंगनबाड़ी केंद्रों का खुलासा हमें नाम बता सकते हैं जिनके द्वारा जिनके यहाँ आपके द्वारा जाया गया और प्लस वहाँ पे आपको खामियां देखने को मिली किन किन आंगनबाड़ियों के इमरान में। यहाँ सबसे पहली बात है कि एक अम्बेडकर नगर में कोका अम्बेडकर नगर में एक आंगनबाड़ी चल रहा है। संतोषी पारा में एक आपका सतनाम धाम के बाजू में चल रहा है। वहीं पे वो जो आंगनबाड़ी है उसके जस्ट बाजू में जो शिवाजी नगर से हटके यादव मोहल्ला में गया है और उसी के 100 मीटर की दूरी में केची मोहल्ला है वहां पर एक आंगनबाड़ी है। उसी आंगनबाड़ी में जो कार्यकर्ता होते हैं एक ही कार्यकर्ता लगभग 3-3 आंगनबाड़ी को संचालित कर रहे हैं और कहीं कहीं तो आप कार्यकर्ता नहीं है तो कहीं कहीं सहायिका नहीं है। तो उन पदों में अभी तक क्यों नहीं रखा गया है क्योंकि इतने बेरोजगार हैं उसके बावजूद भी पद खाली रहने के बावजूद उसमें भर नहीं भरना और कहीं कहीं तो ऐसे सहायिका मिले हैं जो पढ़ लिख के एमकॉम तक किए हुए हैं वो सहायिका के पद में है। तीसरा तीन दर्शन मंदिर के सामने में एक आंगनबाड़ी केंद्र हमको मिला जिसमें कि जब हम वहां पहुंचे तो वहां सहायिका उपस्थित थी बच्चे उल्लेख थे। फिर हमने उनसे जानकारी जब लिए तो उनके जब अंदर घुसे तो कड़ी पाया गया। हमने पूछा कि बच्चों को आप क्या कड़ी खिला रहे हैं तो उन्होंने बताया कि कार्यकर्ता तारा हमको बताया जो बताया जाता है हम वही भोजन कराते हैं। कुछ देर के बाद वो बाहर निकल के कुछ बच्चों को बुला लेती है। उस जब बच्चे वहां पहुंचते हैं तो उसमें से 3 बच्चे जो यादव परिवार के रहते हैं वो 3 जो बच्चे उसी दिन एडमिशन लेने के लिए आते हैं। तो इस प्रकार का जो खेल है फिर कुछ हम दूर में और जगह जाते हैं जैसा कि प्रेम नगर कैंप अपना कैंप एक मस्जिद के पीछे और रामनगर मुक्ति धाम के जस्ट पीछे 3 आंगनबाड़ी लगे हुए हैं। अर्थात जो बच्चे वहां पे जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं दूर के ही आंगनबाड़ी की तरह बसाया गया है तो वो बच्चे कहां पहुंचेंगे। जब आपका क्षेत्र को छोड़ के कई दूर आंगनबाड़ी पहुंचा रहे हैं तो इनकी मंशा ये नहीं है कि लोगों को या जरूरतमंदों को हितग्राहियों को या जो आज कुपोषित बच्चे हैं उन्हें खाद्य सामग्री मिले और रेडी टू ईट मिल सके। तो इनका सीधा सीधा छुपाने का ही उद्देश्य है। और जब आप खुद देखेंगे रसीद हमको हमने जब देखा है 440 संख्या में वितरण हुआ है। ये संख्या आपको हर अधिकतर आंगनबाड़ी मतलब हम अगर आकलन करें तो हर अधिकतर आंगनबाड़ी में दिखाया जा रहा है 440 की संख्या में हमने रेडी टू ईट बांट दिया जैसे बाकी बिहार के द्वारा एक संतोषी महिला स्व समूह के द्वारा बांटा जा रहा है। तो ये दोनों जहां जहां अधिकतर पहुंचे हम लोगों ने तो एक बाकी बिहारी और एक संतोषी महिला स्व सहायता समूह का है जो कि जब बांटे जा रहे हैं तब उसमें संख्या 440 तो बच्चे है नहीं लोग है नहीं तो 440 के हिसाब से अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो एक एक समूह को अगर 3-4-5 जगह बांट रहा है तो एक एक आगे मतलब स्व सहायता समूह ही कम से कम 3-4 लाख रुपए का बिल बना के प्रस्तुत कर रहे हैं और उसको पास भी हो रहा है। और कहीं ना कहीं परियोजना अधिकारी अगर उसमें उनका कहीं ना कहीं सहयोग नहीं है तो अभी तक इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि रेडियो ट्वीट में लगातार जैसा आपके द्वारा बताया जा रहा है कि लगातार घालमेल हो रहा है जो कुपोषित बच्चे गर्भवती माताओं बहनों को इनका लाभ नहीं मिल पा रहा है तो ये आखिर ये पैसा जा कहाँ रहा है जो भी आ रहा है रेडियो ट्वीट से संबंधित है ना बट रहा है ना बच्चों तक पहुँच पा रहा है। तो आखिर ये आपको क्या लगता है कि इसमें कौन ऐसा शख्स है जो मिला हुआ है जिसकी वजह से जरूरतमंदों तक ये चीजें नहीं पहुंच पा रही है। सबसे पहले तो जो बांटने वाले स्व सहायता समूह है और मेरे को सबसे बड़े ये परे दिखता है कि इतनी बड़ी एक खाद्य सामग्री जो बच्चों के जीवन से संबंधित है उसे तो शासन को किसी अपने ही व्यवस्था से करना चाहिए। किसी विभाग होता है उनके माध्यम से उस पदार्थ को बांटना चाहिए था परंतु इन लोगों ने महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से बांटने का कार्य किया है क्योंकि महिलाओं को रोजगार दे सके। परंतु उसमें मैंने पहली बताया कि जो महिला स्व सहायता समूह है वो कहीं ना कहीं उच्च अधिकारियों से मिली भगत करके जब वहां पहुंचाया जा रहा है अब उसका टेस्टिंग परियोजना अधिकारी के द्वारा किया जाता है कि नहीं उससे ऊपर अधिकारी के द्वारा किया जाता है कि नहीं क्योंकि खाद्य पदार्थ की सामग्री है अब जो बढ़ता है और जब रसीद सबसे बड़ा रसीद जो वहां पे रिसीव हो रहा है तो उसकी जानकारी तो ऊपर अधिकारियों को है तो क्या वो अधिकारी उस स्थल पर जाकर लोगों से मुलाकात की। मैंने ये भी बताया कि कई परिवार जिसका हमने लिखित रूप से कलेक्टर
जी को अवगत करा दिए हैं कि ये परिवार है, ये मोहल्ले हैं जहां पर कि बच्चों को सामान नहीं मिल पा रहा है। बच्चे पे जब जाते हैं तो अगर कुछ दिन एक दो दिन के उपरांत अगर पहुंचते हैं पर कुछ मालूम नहीं चल पाता है उनको, जब वहां पहुंचते तो पता चलता है कि रेडी टू ईट बच चुका है। और सबसे बड़ा चीज है कि जब जनवरी महीने का रेडी टू ईट अब वर्तमान में मिल रहा है, मार्च महीने के 2 तारीख को, 3 तारीख को, 4 तारीख को, जैसे कि हमने एक रेडी टू ईट के संबंध में एक कोका मंडल बाजार के सामने में एक आंगनबाड़ी है, हम जब 1 बजे पहुंचे करीब करीब तो वहां पे पता चल रहा है कि वो आंगनबाड़ी बंद होकर चले गया है। उसी के सामने में पीछे में एक निवासरित सीसी मजुमदार जी रहते हैं, उनसे फोन नंबर लेके जब हमने फोन किया तो पूछते हैं कि आप कौन हो, तो हमने बताया कि भाई ऐसा सर, फिर हमने हमारे द्वारा जो अनुमति जानकारी देके जो कागज दिया गया था उनको भेजा जाता है, उसके बाद भी वो बताने में असक्षम है कि हम रेडी टू ईट बांटे हैं कि नहीं। तो ये पूछते भी है कि भाई आपने परियोजना अधिकारी से मिले क्या, आप परियोजना अधिकारी जी को फोन लगाया क्या। हमारा कहने का मतलब है ये तो मेरा मौलिक अधिकार है और हर नागरिक का अधिकार है, भाई मेरे बच्चे हो चाहे मेरे समाज के बच्चे हो, हर समाज के बच्चा हमारा बच्चा है और उसके जिंदगी के साथ अगर कोई खिलवाड़ हो रहा तो उसकी आपत्ति करना सबका अधिकार है। और परमिशन किस बात की, भाई हमारे ही टैक्सों के द्वारा ये चीज वितरित होता है, चाहे केंद्र सरकार की योजना हो चाहे राज्य सरकार की योजना है। ये तो हमने आज जाकर जिस प्रकार का ये कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जितने हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि है उनको ये कार्य करना चाहिए था। सुमन जी, चूंकि अभी एक अमरनाथ महिला स्व सहायता समूह की महिला है जिनके द्वारा पूर्व में इनका संचालन किया जाता था रेडी टू ईट का, अभी उनके समूह को चूंकि बंद कर दिया गया है, उनका कहना है कि वैधानिक रूप से पूरी तरह से इसका संचालन करते हैं कि क्या वजह बंद कर दिया गया है, और उनके साथ जो जो महिलाएं जुड़ी हुई थी इस कार्य में वो भी पूरी तरह से बेरोजगार हो चुकी हैं और ये कार्य दूसरी क्षेत्र की महिलाओं को दे दिया गया, तो इसमें आपका क्या कहना है। देखिए, सबसे पहले मैंने बातचीत को कहा कि कुछ महिला स्वयं सहायता समूह जो पहले से चल रहे थे उन्हें हटा दिया गया, इसका अर्थ ये होता है कि वो ईमानदारी से कहीं ना कहीं काम कर रहे थे और इनको कहीं ना कहीं उच्च अधिकारियों को खटका होगा, क्योंकि जिस अमन महिला स्वयं सहायता समूह को हटाकर आनंद महिला स्वयं समूह को काम को दिया गया है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि आनंद महिला स्वयं सहायता समूह के पास क्या फूड लाइसेंस है, क्या उनके पास अनुभव है, क्योंकि ना ही उनको अनुभव के लिए कोई ट्रेनिंग दिया गया है ना ही फूड लाइसेंस तक उनके पास है, क्योंकि ये जानकारी हमें मिली है, इसलिए ये बहुत बड़ा जांच का विषय है, क्योंकि उनके द्वारा जो खाद्य सामग्री बनाकर बांटा जा रहा है उस सामग्री में क्या जहर नहीं हो सकता, तो क्या बच्चों को जो खाद्य सामग्री दिया जा रहा है बिना अनुभव के, तो और जिस समूह को आपने बोला कि अमन एक बुजुर्ग महिला के द्वारा जो संचालित हो रहा था उनके करीब करीब 14-10 को भी मेंबर होंगे, उनको काम से हटाया गया है, उनको ये बताया जा रहा है शासन के द्वारा कि ये समूह सक्षम है। अरे भाई, सक्षम तो आपके बाकी बिहारी स्वयं सहायता समूह के भी है, सक्षम तो आपके संतोषी स्वयं सहायता समूह जिनके पति खुद बीएसपी कर्मचारी है, तो इसका अर्थ यह होता है कि कहीं ना कहीं वो जो स्वयं सहायता समूह चल रहा था वो कहीं ईमानदारी से हो सकता चल रहा होगा, वो भी जांच का विषय है, क्योंकि हम उसको पूर्ण रूप से नहीं बोल सकते, मगर जो कारण बताया गया है कि सक्षम होना, सक्षम अगर है तो और अच्छी बात है, क्योंकि उनके द्वारा अगर सक्षम के द्वारा किया जा रहा है तो और अच्छी बात है कि लोगों तक अच्छी चीज पहुंचेगी, तो ये बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि जिस आंगनबाड़ी को हटाया गया है वो आंगनबाड़ी क्यों हटाया गया है, इसलिए उनको भी इस जांच में रखना चाहिए। और इस जो हम लोगों ने जो जांच लगभग करके शासन को जानकारी देने में जो कार्य कर रहे हैं तो इसका सबसे बड़ा खुलासा उन्हीं के साथ उनके पास से मिल सकता है, और मैंने पहले बताया कि इस संबंध में समस्त जानकारी यहाँ के चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के विधायक हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हो, चाहे राज्यसभा के सांसद हो, किसी भी दल का हो, इस विषय को लेकर अगर जिला कलेक्टर के द्वारा जल्द कार्रवाई नहीं किया जाता है तो एक शिकायत सबसे पहले संभाग आयुक्त को किया जाएगा और उसके उपरांत सारे जनप्रतिनिधियों से मिलकर इस विषय को रखा जाएगा, और यदि इस विषय को लेकर
पक्ष जल्द ही इस पर निराकरण नहीं करता है, समस्या पर ध्यान नहीं देता है, तो इसका अर्थ होगा कहीं ना कहीं हमारे पक्ष के जनप्रतिनिधि भी कहीं ना कहीं इससे मिले हुए होंगे। तथा अगर विपक्ष इसको विधानसभा सत्र में और हमारे सांसद के द्वारा लोकसभा सांसद में अगर इस बात को नहीं उठाता है, क्योंकि ये मैंने पहले कहा कि ये जो घोटाला है, अगर एक घोटाला के रूप में, अगर बड़ा घोटाला के रूप में उपरता है छत्तीसगढ़ राज्य में, तो ये बिहार के चारा घोटाला से कम नहीं होगा। इसलिए इस पर मैं सभी जनप्रतिनिधि से अनुरोध करूंगा कि इस पर पूर्ण रूप से ध्यान दे और इस प्रकार के हो रहे अव्यवस्था को दुरुस्त करने में हमारी और जनता की साथ समाज का मदद करें। सुमन सिंह जी का आपका धन्यवाद, आभार, क्योंकि आपने इतनी जो अंदर की बातें आंगनबाड़ी को लेकर के इसका आपने आपके द्वारा पूरी तहकीकात की गई, लोगों तक इस तथ्यों को पहुंचाया गया, ये किस तरह से रेडी टू में अभी जो घपलेबाजी है सामने आ रही है। सवाल अंतिम सवाल आपसे एक ये है कि चूंकि इस जो परिक्षेत्र में परियोजना अधिकारी की, चूंकि जो तमाम तरह की जो बातें निकल कर सामने आई है, आपने परियोजना अधिकारी के पास एक बार भी इस बातों को रखने का प्रयास किया? हम लोगों ने इस मतलब निरीक्षण करने से पहले हमने महिला बाल विकास के कार्यालय में पहुंचे थे तो पता चला कि वो छुट्टी है। दूसरी चीज है कि जब हम निरीक्षण कर रहे तो परियोजना अधिकारी की ही कमियां दिखी जा रही है, क्योंकि ये जो कार्य है परियोजना अधिकारी का कार्य है, तो हम अगर चोर को ही अगर पहले से अवगत करा दे, या तो परियोजना अधिकारी है कि नहीं विस्तृत में चोर है, वो तो बात जांच का विषय है, मगर जब हमको दिख रहा है कि कहीं ना कहीं परियोजना अधिकारी की एक कमी है, तो अगर हम उन्हीं को अवगत करा देते, क्योंकि 2-3 तारीख के बाद से सारे आंगनबाड़ी को अवगत हो चुका था कि हम लोग आंगनबाड़ी पहुंच रहे हैं, तो उसके बाद हम लोग को जो जानकारी देने थे ये लोग डायरेक्ट मना करते थे, तो इससे समझ में आता, जबकि हम सवाल एक ही पूछते थे कि क्या आपका रेडी टू यूज बटा है, तो ये सीधा साफ कहते थे कि हमको जानकारी नहीं है। कोई जो सही बोलते थे, जैसा कि मैंने पहले अपने सतनाम धाम कैंप दो संतोषी पारा की एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता स्वयं शिकार की कि हमारे द्वारा फरवरी माह में आंगनबाड़ी का जो रेटोरिक बर्तन नहीं बटा है और अभी वर्तमान में भी नहीं बटा है, तो सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि अगर परियोजना अधिकारी को मालूम चल जाता तो कहीं ना कहीं परियोजना अधिकारी उनको पहले से अलर्ट कर दिए रहते, या तो पहले से कार्यालय बंद कर दिए रहते। इसलिए मुझे लगता है कि परियोजना अधिकारी ऊपर की मतलब भगवान की महिमा है कि उन्होंने छुट्टी लेके रखा, तब तक हमने इस विषय को लेकर हमने जा करने में हमको मदद मिला, मगर 3-4 तारीख के बाद हमने पूरी समझ में आ गए कि इनको पूर्ण रूप से जानकारी मिल चुकी है और परियोजना अधिकारी को भी जानकारी मिल चुकी है, क्योंकि उसके बाद उन्होंने अपना छुट्टी भी सुनने में आया कि समाप्त करके और वह पहुंच गया। ये थे हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता सुमन सिंह जी, जिनके द्वारा भिलाई शहर की लगभग अधिकांश आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया गया और तमाम दस्तावेजों के साथ आज हमारे कार्यालय में उपस्थित हुए। तमाम तरह की खामियां जो होगी रेडी टू ईट में देखी जा रही, महिला जिन महिला समूह कई आंगनबाड़ी चीजें सही भी सामने आई, कई ज्यादातर आंगनबाड़ियों में व्यवस्थाएं गड़बड़ नजर आई, तो इनके द्वारा तमाम तथ्यों से जिला कलेक्टर महोदय को अवगत करा दिया गया। यदि इसके बाद भी इनका कहना कार्रवाई नहीं होती है तो संभागीय आयुक्त को ज्ञापन दिया जाएगा। और चूंकि हमारा भी यह मानना कि जिस तरह की राज्य सरकार केंद्र सरकार की यह योजना कुपोषित बच्चों को स्वस्थ करना गर्भवती महिलाओं को लेकर, यदि उनके ही इस मामले में किसी के द्वारा पैसा खाया जाता है, भ्रष्टाचार किया जाता है, तो निश्चित रूप से वो सजा का पात्र है। नमस्कार।